हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स का नेक्स्ट लेक्चर है ये। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के बारे में बात कर लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल पढ़ लिए, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ लिए, स्फेरिकल सेल्स पढ़ लिए, पोटेंशियल डाइइलेक्ट्रिक के कारण डाइपोल के कारण पोटेंशियल पढ़ लिए, इन एक्सिस में पढ़ लिए, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस से पोटेंशियल पढ़ लिए। तो बहुत सारा पोटेंशियल पढ़े, पोटेंशियल पर क्वेश्चन भी किए। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, और यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फाइनल है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस समविभवी सतह। तो पढ़ने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार, और ये आपका छोटा सा क्यूट सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें क्लास कैसा लगता है, कमेंट जरूर करें, क्योंकि सबका कमेंट हम पढ़ते हैं, देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं। चलिए भैया, स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं तो उन लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट जरूर किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभवी सतह, समविभवी सतह नाम से क्लियर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कि पोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नाम देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी फॉर इक्वल, EQUI इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए थोड़ा सा इसको फील कराते हैं क्या है। इक्वी स्टैंड फॉर इक्वल, पोटेंशियल पोटेंशियल को ही दे देते हैं, और सरफेस का सरफेस छोड़ दीजिए, यानी इक्वल पोटेंशियल सरफेस। कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर हर एक जगह पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो जाए, हर एक जगह पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज हम यहां ले लिए क्यू, और एक सरफेस हम बना दिए, चारों तरफ आर डिस्टेंस है, यहां पोटेंशियल वी वन, यहां वी टू, यहां वी थ्री, यहां वी फोर। अब बताइए यहां पोटेंशियल क्या होता है, वी क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, पढ़ चुके हैं आप लोग, के क्यू बाई आर, यही तो पोटेंशियल होता है, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो यहां पे क्या होगा, देखिए तो वी वन के क्यू बाई आर, यहां भी के क्यू बाई आर, यहां भी के क्यू बाई आर, और यहां भी के क्यू बाई आर, यानी कि यहां से सबका डिस्टेंस क्या इक्वल है। तो वी वन बराबर वी टू बराबर वी थ्री बराबर वी फोर इक्वल टू के क्यू बाई आर, यानी कि ये क्या हुआ, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। कहीं भी आर डिस्टेंस पर हम जाएं तो जो पोटेंशियल होने वाला है वो के क्यू बाई आर ही होगा, है कि नहीं। तो वैसा सरफेस, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक ईच पॉइंट पर कहीं भी एक पॉइंट ले ले पोटेंशियल सेम होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एक बराबर होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। सम विभवी सतह, सम माने बराबर, विभव समझवे करते हैं, सतह माने सर्फेस, प्रत्येक सतह पर, सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। कहने का मतलब यदि इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन एकदम हल्का हो गया, आप खुद से लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दैट सरफेस ऑन विच सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इच पॉइंट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल
सरफेस, मतलब कि वो ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहां? तो ईच पॉइंट या एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कह सकते हैं कि वह ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु ईच पॉइंट प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समान माने लगेज नहीं, एक बराबर, तो उसे समविभवी सतह कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? समविभवी सतह कहते हैं। एकदम छोटा सा बात था कि मतलब कोई भी सरफेस ले ले, प्रत्येक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। और ये हमेशा सरफेस की बात किया गया ना, तो मैक्सिमम हमेशा ये 3D में ही चलेगा। 3D आप देखे होंगे पिछला लेसन में 2D 3D सर्फेस का हम बात किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बात हुआ है 2D 3D सर्फेस का। 3D क्या होता है? क्लोज सर्फेस होता है, तो हमेशा क्लोज में ही बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये मान लेते हैं कि एक सरफेस है और इसके चार्ज की स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है और एक पॉइंट चार्ज की है। अब यहां से यहां का यदि पोटेंशियल देखा जाए, डिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, इसको V1 कर देते हैं। और यहां भी डिस्टेंस क्या है, आर है, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर V2 कर देते हैं। यहां पे देखेंगे डिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, इसको V3 कर देते हैं। यहां पे पोटेंशियल देखें तो क्या होगा, के क्यू बाई आर, इसको V4 कर दी। यानी कि चारों पॉइंट पर हम देख रहे हैं पोटेंशियल क्या है, बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो इस सरफेस को कहा जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस सरफेस को कहा जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। जल्दी से नोट करेंगे, चलिए वही बात कर ले अब कि ये तो सर सरफेस में था, मतलब कि क्लोज था पूरा एकदम, क्या था, सरफेस पर था। वही अगर लीनियर रहेगा तब, ये तो हमारे चारों तरफ एक बराबर आर डिस्टेंस पर था, अगर लीनियर रहेगा तब, तो लीनियर का केस में थोड़ा देख लेंगे। लीनियर चार्ज, अगर चार्ज लीनियर होता, चलिए यही एक लाइन हो, इस पर चार्ज देती है, ठीक, इसके कारण r डिस्टेंस पर यहां पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल r डिस्टेंस पर, यहां पोटेंशियल r डिस्टेंस पर, यहां पोटेंशियल r डिस्टेंस पर। यानी आप देखेंगे बाहर भी तो आएगा पोटेंशियल, यहां से r डिस्टेंस पर इधर भी आएगा, उधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, यानी कि आपका ये क्या बनने वाला है, सिलेंडर बन जाएगा। अभी सिलेंडर पर यहां से क्या हो गया, यहां पे पोटेंशियल देखिए r डिस्टेंस, यहां पे पोटेंशियल देखिए r डिस्टेंस, यहां चलिए r डिस्टेंस, सामने आइएगा r डिस्टेंस, पीछे जाइएगा r डिस्टेंस, यहाँ V1 V2 V3 सब क्या होगा, V1 बराबर V2 बराबर V3 इक्वल टू के क्यू बाई आर, कब, यदि इस पर चार्ज क्यू हो तो, है कि ना, सारा पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी सतह हो अगर उसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा तो कहेगा आपका इक्विपोटेंशियल, चाहे लिनियर चार्ज हो, पूरा सरफेस चार्ज हो, या वॉल्यूम में ही चार्ज हो, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। क्लियर है? अब चलिए, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि अगर कंसंट्रेशन सरफेस है, कंसंट्रेटेड सरफेस, यानी या सेकेंद्रीय वृत्त जिसे कहते हैं, कि एक हमारे पास क्यू चार्ज यहां हुआ, ये एक सरफेस यहां लिए, एक सरफेस यहां लिए, एक सरफेस यहां, इसका पोटेंशियल इस पर है प्रत्येक पॉइंट पर 100 वोल्ट,
प्रत्येक पॉइंट पर 80 वोल्ट, प्रत्येक पॉइंट पर 60 वोल्ट। तो क्या तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है? हाँ जी बिल्कुल, तीनों एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आपको लगे सर 100 है, 80 है, 60 है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे है? तो ये अपने आप में, ये अपने सरफेस के साथ इक्विपोटेंशियल है। यहाँ 100 तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, सब जगह तो 100 वोल्ट रहेगा। ये 80 है तो सब जगह क्या रहेगा? 80 रहेगा। ये 60 है तो सब जगह क्या रहेगा? 60 रहेगा, है कि नहीं? तो ये अपने सरफेस के साथ इक्विपोटेंशियल में है, ये अपने सरफेस के साथ इक्विपोटेंशियल में, ये भी अपने सरफेस के साथ इक्विपोटेंशियल में है कि नहीं? और एक चीज और ध्यान देना है कि अगर देखिए हम सेंटर से दूर चल रहे हैं तो पोटेंशियल घटता है हमेशा, क्योंकि यहां से क्या है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ। और आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि अगर फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जाए तो पोटेंशियल घटता है, फील्ड लाइन के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ 100 वोल्ट है, 80 वोल्ट है, यहाँ क्या हो गया 60 वोल्ट, जैसे जैसे आगे जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा, ये हमेशा याद रखेगा। तो इस तरह से अगर सेकेंद्रीय सरफेस भी है तो भी वहां क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ये सरफेस अपने के साथ, अपना सरफेस के साथ ये क्या है? इक्विपोटेंशियल है। ये अपने सरफेस के साथ इक्विपोटेंशियल है, ये अपने में इक्विपोटेंशियल, सब अपने आप में इक्विपोटेंशियल है। सिलेंडर की बात कर ले, लीनियर चार्ज के कारण यदि ले ले, यदि हम लीनियर चार्ज की बात करें तो एक छोटा सा सिलेंडर मान लेते यहाँ पे है, एक इससे बड़ा सिलेंडर यहाँ पे है, इससे एक और बड़ा सिलेंडर यहाँ पे है, सब क्या है? ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस मान लेते आर वन, तो सगरो आर वन, यहाँ से आर टू और बड़ा वाला का आर थ्री, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ का ज्यादा होगा, यहाँ का सबसे ज्यादा होगा। सरफेस जितना चार्ज से नजदीक होगा पोटेंशियल उतना अधिक होगा, जितना दूर जाएंगे उतना कम होगा। देखे ना जी, के क्यू बाई आर, जितना आर बढ़ाएंगे पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो बढ़ रहा है डिस्टेंस, पोटेंशियल कम होगा। तो इस तरह से अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारा सेकेंद्रीय सरफेस बनाया हुआ है, सेंटर एक ही है, सरफेस बहुत सारा है, तो सारे सरफेस अपने आप में क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। लेकिन यही अगर इसका पोटेंशियल कम है तो हरेक पॉइंट पर पोटेंशियल कम हो जाएगा, हरेक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें भी हरेक पॉइंट पर पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसमें भी हरेक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक लगा देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कि डेफिनेशन है, सब लोग उसको लेकर के आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या था कि सरफेस का प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है? पोटेंशियल बराबर है। अब यही मान लेते हैं एक सरफेस है, यहां चार्ज क्यू है, यहां मान लेते पॉइंट ए है, यहां पॉइंट क्या है? बी है, डिस्टेंस आर है। तो जो VA का पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल VA, यहाँ पोटेंशियल VB, तो VA बराबर कौन सी है? VB। तो डिफरेंस निकालेंगे VB माइनस VA तो क्या हो जाएगा? जीरो। ये पहला प्रॉपर्टी सब लोग लेके आते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। अरे भैया ये तो डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टीज कहाँ होगा? ये डेफिनेशन है। और भैया दोनों पोटेंशियल क्या इक्वल है तो डिफरेंस तो जीरो होना ही है ना, तो ये मस्ट नहीं है। लेकिन चलिए लिखते हुए चलते हैं, बुक में भी दिया हुआ है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस is always zero। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा
किसके बीच, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कहां, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। हमेशा क्या होगा, अरे भैया सारे जगह पर पोटेंशियल बराबर है तो डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो ही ना आएगा, उतने में से उतने घटा दिए, जितना है आपके पास उतना में से उतना घटाइए देंगे तो बचेगा कौन सी, जीरो। तो इक्विपोटेंशियल का प्रत्येक सतह पर, इक्विपोटेंशियल का जो भी सतह पर जितने भी बिंदु है प्रत्येक बिंदु का जो डिफरेंस निकालेंगे वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये डेफिनेशन ही था। सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें जो कि बहुत मस्ट है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर मूविंग चार्ज इज जीरो। जो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर चार्ज मूवमेंट इज जीरो। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क होता है किसके लिए, चार्ज के मूवमेंट के लिए, वो भी क्या होगा, जीरो होता है, वो भी क्या होता है, जीरो होता है। ये कैसे, आइए पिछला लेक्चर में आप लोग पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है इसका जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन के जस्ट अपोजिट होता है। जो एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है उसके जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, नहीं होता है। आइए दिखाते फील कीजिए, ये सपोज कीजिए आपके पास एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है क्यू, ये आपका मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे पॉइंट ए यहां पे पॉइंट बी, यहां से एक चार्ज क्यू नोट को यहां पे लेके आना है कि नहीं। तो ये जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये क्या करेगा इस चार्ज को इधर ढक लेगा, फील्ड लाइन्स उधर खींचेंगी, खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। और आपको पता है कि यहां जो भी वर्क डन होता है वो सारा पोटेंशियल में चेंज होता है, अगर ये खींचेगा तो वर्क डन क्या है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अरे भैया इसको खींचेगा तो इसमें गति ना आएगा, और गति आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो उस फोर्स को इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसको खींच रहे हैं, इस पर जो जाना चाह रहा है उसको रोकने के लिए इधर से क्या करता है, एक और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। इधर से एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या किया गया, लगा दिया गया, इधर से एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या किया गया, लगा दिया गया। और अब क्या करता है, इस फोर्स के सापेक्ष में हम इसको धीरे 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 काम करके यहां तक लाते हैं। अब कोई एक्सटर्नल आदमी है, एक्सटर्नल एजेंट है जो इस पर वर्क करता है और इसको यहां से यहां तक लाता है, और इतना स्लोली स्लोली लाता है कि इसमें इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना भी वर्क डन होता है सब पोटेंशियल में चला जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ किसके विपरीत में काम किया, वर्क एक्सटर्नल, यानी कि जो वर्क होता है, जो पोटेंशियल में वर्क होता है वो किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के लिए या इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है वो किसके लिए होता है, एक्सटर्नल वर्क के लिए। तो एक उधर हो रहा है एक इधर हो रहा है तो क्या हुआ, निगेटिव साइन लग गया है कि नहीं, बिल्कुल। अब ध्यान से देखेंगे, अब आप समझ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क होता है वो एक्सटर्नल वर्क के जस्ट इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है वो एक्सटर्नल वर्क के क्या होता है, इक्वल होता है लेकिन क्या होता है, निगेटिव डायरेक्शन में होता है कि नहीं। अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़े थे कि VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन बाय A टू B बाय Q। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो बाबू ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, Q इधर आ जाएगा जीरो, यानी कि वर्क A टू B क्या होगा, जीरो, और जब ये जीरो तो ये भी क्या होगा, जीरो। जब ये जीरो एक्सटर्नल वर्क डन जीरो तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन किसके सापेक्ष में करेगा, यही जब वर्क नहीं कर रहा है तो ये क्या वर्क करेगा, तो वही कहा गया है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर चार्ज मूवमेंट, चार्ज के मूवमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है वो क्या होता है, जीरो होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। या और समझिए, और समझिए इसको, ये समझ सपोज कीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया हम क्यू,
यहां से ये मान लेते हैं डिस्टेंस आ रहा है। अब यहां पे हम एक चार्ज रखे क्यू नोट, यहां पे पोटेंशियल आपको निकाला था। सपोज कीजिए यहां पे पोटेंशियल क्या है, वी ए पॉइंट ए है। अब इसे हमको क्या करना है, इधर मूव कराना है, यहां पे ले आना, इधर मूव कराना है। यहां पे एक पॉइंट बी है, यहां पे एक पॉइंट क्या है, बी है। ये डिस्टेंस तो वही रहा है कि नहीं, चार्ज यहां पे पोटेंशियल भी है, यहां पोटेंशियल क्या होगा, वी पी। अब चार्ज को इधर लाना है, चार्ज को इधर लाना है, चार्ज को इधर लाना है, यानी इस डायरेक्शन में क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अरे जिधर चार्ज जाएगा डिस्प्लेसमेंट उधर ही ना होगा। ये सपोज कीजिए सेंटर में क्या है, क्यू है, यहां पे चार्ज लिए क्यू नोट है कि नहीं। इस पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो सीधे नॉर्मल होगा ऊपर की ओर, और यहां से चार्ज को लाना है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर मान लेते हैं डीएक्स। अब यहां पे चार्ज आ गया, अब यहां पे चार्ज क्यू नोट आ गया, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है, नॉर्मल निकलता है, हमेशा नॉर्मल रहता है, तो इधर निकला। और फिर यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डीएक्स इधर, यानी कि ये देखिए डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री है कि नहीं। और आप लोग पढ़े कि फोर्स क्या होता है, अरे वर्क क्या होता है, एफ डी एस कॉस थीटा। और फोर्स, फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो फोर्स लग रहा है इस पर। अरे इस पर फोर्स ये नॉर्मल लग रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो एफ डी एस, डी एस के ऊपर क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया डीएक्स, और कॉस थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो, यानी कि यहां से भी वर्क डन क्या गया, जीरो। और इलेक्ट्रिक फोर्स लगा परपेंडिकुलर, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके टेंजेंट में हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जा रहा है, तो एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री, अरे 90 डिग्री। और 90 डिग्री बन गया तो वर्क हो भी करता है एफ डी एस कॉस थीटा, थीटा रखेंगे 90 डिग्री पूरा जीरो, यानी वर्क डन जीरो। हमेशा याद रखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन होता है वो चाहे एक्सटर्नल एजेंट का हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों एक दूसरे के बराबर फोर्स लगाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, वो जीरो होता है। आइए और फील करें आप इसे, और फील कीजिए, और फील कीजिए। आप लोग पढ़े कि पोटेंशियल डिफरेंस डीवी इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये भी पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंस क्या है, जीरो, डिफरेंस क्या है, जीरो, अरे डिफरेंस क्या है, जीरो है क्या। तो अब देखिए तो इधर से इसको इधर लाएंगे तो डीआर भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है वो जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगने वाला है वो जीरो, और जब फोर्स से नहीं लगेगा तो वर्क कहां से होगा, वो भी जीरो। फोर्स से नहीं लगेगा तो चार्ज मूव कहां से करेगा, वो भी जीरो, कहानी खत्म। और फिल कीजिए वी बी माइनस वी ए इक्वल टू पढ़े डब्ल्यू ए टू बी बाई वी नॉट, अरे ये अर क्यू, क्यू नॉट, ये पूरा जीरो, तो इधर है जीरो, पूरा वर्क डन जीरो। कहीं से भी आप देख सकते हैं वर्क डन हमेशा क्या होने वाला, जीरो। तो ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके प्रॉपर्टीज का, कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर चार्ज मूवमेंट इज जीरो, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट भी काम कर जाए, जो चार्ज को मूव करा था इधर से उधर, वो भी क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट थर्ड नंबर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ना तो इसके अलोंग होगा, ना तो इसके टुवर्ड्स होगा, ना तक किसी अन्य एंगल पर होगा,
हमेशा क्या होगा 90 डिग्री पर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। वो कैसे, वो कैसे, फील तो होना चाहिए, आइए फील करते हैं। जैसे देखेंगे आप लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर, माइनस हम लोग डायरेक्शन के लिए देते हैं, माइनस न भी लगाएंगे तो ये पता चलता है कि चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो प्लस में आएगा, चार्ज निगेटिव रहेगा तो माइनस में। अरे पोटेंशियल बीवी माइनस बी ए करते हैं ना तो पॉजिटिव निगेटिव पता चल जाता है, इसे हटा भी सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला में लेकर चलेंगे क्योंकि प्रूफ किया तो माइनस आया और माइनस के साथ ही काम होता है। अब देखिए तो ध्यान से, ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो गया आपका जीरो, क्योंकि क्यों पोटेंशियल सरफेस है। यहां से हम ई और अगर हम डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा को हटाना होगा, डॉट हटता है तो डॉट क्या है स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में कॉस थीटा आता है, क्रॉस वेक्टर क्वांटिटी है वहां पे साइन आता है। अब कॉस थीटा, अब देखे तो कॉस थीटा, कॉस थीटा आप ध्यान दीजिए, कॉस थीटा कितना डिग्री का मान कॉस में जीरो होता है तो 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है 90 डिग्री। अरे कॉस थीटा इक्वल टू जीरो यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या करना होगा कॉस 90, ये पूरा क्वेरी भेज दीजिए ना, है कि नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है हमेशा। आप देखिए आइए ये रहा एक क्या है गोला है, यहां पे चार्ज दे दी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, तो सारे हमेशा सरफेस के साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री का, हमेशा नॉर्मल होता है, नॉर्मल 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 बोले तो हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा। क्या इस तरह का एक सरफेस है, ये सरफेस है तो अभी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जस्ट एकदम इसके परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस इस तरह से है, इस तरह का सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर। ये आप लोग को पढ़ा चुके हैं कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था वहां भी पढ़े थे कि किसी भी सतह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फ्लक्स निकलते हैं हमेशा परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर में पढ़े थे, हाँ एरिया वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा था वहां पे आपको दिखाया गया था कि एरिया वेक्टर भी हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर निकलता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर निकलता है, यहां से देख रहे हैं 90 डिग्री पर निकलता है, ये भी एक पॉइंट पर। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़े थे कि टू फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, उसी तरह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। तो पहले लिख लेंगे फिर क्यों नहीं होते हैं दिखाते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कभी नहीं हो सकते। रीजन क्या, आइए रीजन समझते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक सपोज कीजिए कि एक हमारा ये क्या है सूता हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम दे दिए इसका क्या वन, और एक इसको काटते हुए गया ये, नाम दे दिए इसका इंटरसेक्ट तो कर गया। अब ध्यान से देखिए तो ये जो सूता हुआ है यहां से अगर इसका फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वन वाला पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर ई वन, पहला का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल निकले, ये जो दूसरा सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर, ये ऊपर या नीचे
वन का ऊपर नीचे कहीं बना सकते हैं, जो खड़ा है उसका लेफ्ट राइट कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि ओपन सर्फेस है, क्लोज सर्फेस में एरिया वेक्टर में सिर्फ आउटवर्ड निकलता था, इसमें भी सिर्फ आउटवर्ड निकलेगा, है कि नहीं। तो यहां से क्या होगा, जो खड़ा है इसका क्या होगा, इधर हो जाएगा ए टू, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट क्या होगा परपेंडिकुलर। तो देखिये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, या ऐसे देख रहे हैं कि दो तरह का डायरेक्शन, यू टू का डायरेक्शन इधर, यू वन का डायरेक्शन इधर। और आप पढ़ चुके हैं कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना, इंटरसेप्ट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटरसेप्ट नहीं हो सकते कभी भी, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद कभी भी प्रतिच्छेद नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं कटेंगे। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी नहीं कट सकते हैं, कभी नहीं कट सकते हैं, क्यों नहीं कट सकते हैं, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। यह था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज जो कि समाप्त हुआ। मजा आया, मजा आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज गिवन, जो दिया हुआ है ये लिया हुआ, दैट्स गिवन, ये दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें क्या करना है आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, इसमें क्या बनाना है आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, यहां से कहेंगे ड्रॉ द लीनियर इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए लीनियर बनाना है, कैसा ही बनाइए, हमको तो सिखाना है, कैसा ही बनाइए, आप लोग को फील होना चाहिए कैसे बनता है। तो हमेशा जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस तरह से एक सरफेस बना देंगे, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बना दिए और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिए इसके अलोंग चला गया, जबकि आप पढ़ चुके हैं अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होता है तो जो सरफेस आपको बनाना होगा वो ऐसा बनाना होगा कि जो फील्ड है उसके परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि ऐसे क्या तो सरफेस खड़ा रहेगा, ये आपका क्या हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके साथ हमेशा कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, कितना भी बना देखिए लीनियर कहेगा तो इस तरह से बना देंगे, ये लीनियर हो गया, सरफेस में कहेगा तो इस तरह का बना देंगे, सरफेस हो गया। तो इसी चीज को समझना है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा, यही कभी कभी डाइपोल के कारण पूछ देता है, टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल से अब पूछ देगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए। आइए देखिए डाइपोल माइनस क्यू प्लस ये डाइपोल हो गया है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर प्लस क्यू माइनस क्यू कहीं भी ले सकते हैं, है कि नहीं, इधर प्लस इधर माइनस रहे थोड़ा अनस्टेबल होता है, क्योंकि अगर फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, तो यहां से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे और इसमें आएंगे, सबसे पहले हम वो बना लेते हैं, Thank you.
इस तरह है कि ना, ये डाइपोल बन गया, लाइंस बन गए। अब ध्यान से देखिए तो हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो एक तो ऐसे जा रहा है इसके बीच में एकदम हम इस तरह का सरफेस दे सकते हैं, एकदम परपेंडिकुलर इससे निकल जाए लाइंस, क्या निकल जाए एकदम परपेंडिकुलर निकल जाए इस सरफेस से, लाइंस क्या एकदम परपेंडिकुलर निकल जाए। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो लाइन झुका हुआ है, लाइन क्या है झुका हुआ है, इधर से ऐसे चल रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक सरफेस आपको पढ़ाए थे, एक पॉइंट चार्ज अगर यहाँ हो तो ये क्या होता है इक्विपोटेंशियल चार्ज का गोले गोले क्या होता है, एक सर्कल खींच दीजिए वो इक्विपोटेंशियल होता है। तो इसके बाहर ही बाहरी क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां से और बड़ा बनाना तो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो गया, इधर ही बनेगा ये आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो गया, ये आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो गया, ये आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो गया, है कि नहीं। इसका मस्त फिगर आपको गूगल पर सर्च कर लेंगे, इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेस ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां पे आपको बहुत ही अच्छा फिगर मिल जाएगा ना, वहां से आप देख लेंगे बहुत ही मस्त रहेगा। हम समझा दिए किस तरह से फील्ड बनता है, क्लियर। तो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो यदि मजा आया होगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो के अंत में कमेंट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धन्यवाद।